आपका पहला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए एवरेस्ट, बी किलिमंजारो, सी माउंट ब्लैंक, डी माउंट फुजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एवरेस्ट। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए काजीरंगा, बी बंघवला, सी सुल्तानपुर, डी जिम कॉर्बेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काजीरंगा। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुगल काल में राजधानी नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आपका चौथा सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, डी भेड़ के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भेड़ के। आपका पांचवा सवाल है, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी श्रीलंका में, डी इंडोनेशिया में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। आपका छठा सवाल है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पीपल, बी नीम, सी केला, डी आम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीम। आपका सातवां सवाल है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी असम, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उदयपुर। आपका आठवां सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का, डी शुतुरमुर्ग का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग का। आपका नौवां सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में। आपका दसवां सवाल है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन में, बी आइसलैंड में, सी नॉर्वे में, डी कांगो में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नॉर्वे में। आपका ग्यारहवां सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जिराफ, बी खरगोश, सी चूहा, डी प्लैटिपस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्लैटिपस। आपका बारहवां सवाल है, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लोहा, बी स्टील, सी सोडियम, डी सोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम। आपका तेरहवां सवाल है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अफ्रीका। आपका चौदहवां सवाल है, भगवान बलराम की पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए रेवती, बी सुभद्रा, सी रजनीगंधा, डी मंचकुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेवती। आपका पंद्रहवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए विद्युत उद्योग, बी बैंकिंग उद्योग, सी खनन उद्योग, डी कपड़ा उद्योग।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। आपका 16वां सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 10 राज्यों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 राज्यों से। आपका 17वां सवाल है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। आपका 18वां सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आलू की, बी पपीते की, सी लौकी की, डी केले की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पपीते की। आपका 19वां सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी जिम कॉर्बेट, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। आपका 20वां सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी के, बी ऊंट के, सी भालू के, डी हिरण के। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और आभार।